कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड अर्लियर ट्रेंड्स इन्फेक्शन का टॉपिक नंबर टू जो है हमारा हिस्टोरिकल नोबल। ये जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है पेपर सेकंड यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड क्या है हमारी अर्लियर ट्रेंड्स इन्फेक्शन। फिक्शन में जो अर्लियर प्रारंभिक ट्रेंड्स जो थे वो क्या थे फिक्शन में नोबल में, तो और ये इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक नंबर सेकंड है, टू है हिस्टोरिकल नोबल। इसमें कितने टाइप्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। पिछली वीडियो में मैं रिटन करके मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी एक बार ओरल बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट है आपका फिकारेस के नोबल, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है हिस्टोरिकल नोबल, जिसको हम आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। थर्ड है गॉथिक नोबल, फोर्थ है एपिस्टॉलरी नोबल, और फिफ्थ है रीजनल नोबल नोबल, और सिक्स्थ है डोमेस्टिक नोबल। तो आज इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल नोबल को कवर करेंगे कि हिस्टोरिकल नोबल क्या होता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हमारी में कितनी वीडियो होंगी, सिक्स टॉपिक हैं, तो मैं सिक्स ही वीडियो दूंगी इसकी, और अंत में सबसे लास्ट में एक वीडियो ऐसी दूंगी जिसमें ये बताऊंगी कि इस यूनिट्स में किस तरह के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हिस्टोरिकल नोबल। ए नोबल दैट हैज इट्स सेटिंग ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट अटेम्प्ट्स टू कन्वे द स्पिरिट, मैनर्स एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पास्ट एज विद रियलिस्टिक डिटेल। इसको समझेंगे अब। ए नोबल एक उपन्यास दैट जो हैज रखता है इट्स अपनी सेटिंग को ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री इतिहास के समय की, दैट जो अटेम्प्ट्स कोशिश करता है टू कन्वे देने की द स्पिरिट भावना को, मैनर्स को, सोशल कंडीशंस को ऑफ द पास्ट एज भूतकाल की विद रियलिस्टिक डिटेल वास्तविक, रियलिस्टिक मीन्स वास्तविक या यथार्थ डिटेल के साथ। अब समझेंगे ऐतिहासिक उपन्यास वह उपन्यास होता है जिसकी सेटिंग ऐतिहासिक टाइम पीरियड में होती है, जो वास्तविक यथार्थ डिटेल के साथ भूतकाल की स्पिरिट्स, मैनर्स, सोशल मतलब सामाजिक कंडीशंस को देने की कोशिश करता है। ठीक है, किसके साथ, ऑफ द पास्ट एज भूतकाल की विद द रियलिस्टिक डिटेल वास्तविक डिटेल के साथ, यथार्थवादी डिटेल के साथ। बात समझ में आ रही है ना। द एक्शंस बिलोंग्स टू द पास्ट, और इस हिस्टोरिकल नोवेल के जो एक्शंस होते हैं वो भी पास्ट को बिलोंग करते हैं। द नरेशन मे बी इन द पास्ट टेंस, और इसका जो नरेशन होता है, वर्डन जो होता है वो भी पास्ट टेंस में होता है, मतलब पास्ट टेंस में हो सकता है। मे बी या मे बी न लगाएं, या तो बी केम भी हो सकता है, मतलब होता है। द सबस्टेंस इन द नरेशन एनकम्पेसिस का मतलब होता है एक तरह से संबंधित होना, घिरा होना, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इवेंट्स। और जो सबस्टेंस होता है, सबस्टेंस का मतलब होता है मटेरियल कह लो, या जैसे कह लीजिए मूल्य, पदार्थ, महत्व, इन द नरेशन। और जो हिस्टोरिकल नोवेल का जो नरेशन होता है,
हिस्टोरिकल नोवेल का जो नरेशन होता है उसमें जो सब्सटेंस होता है, उसका जो मूल्य होता है, महत्व होता है, पदार्थ जो होता है, एनकम्पेसिस संबंधित होता है बोथ, दोनों पब्लिक एज वेल एज और प्राइवेट इवेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट दोनों घटनाओं से संबंधित होता है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ऐतिहासिक उपन्यास वो उपन्यास होता है जो क्या होता है, ऐतिहासिक टाइम पीरियड में सेट होता है, जो वास्तविक यथार्थ डिटेल के साथ, वास्तविक यथार्थ डिटेल के साथ भूतकाल की स्पिरिट, मैनर, सामाजिक कंडीशंस को देता है, देने की कोशिश करता है। इसकी जो स्टोरी होती है वो भी पास्ट टेंस में होती है, इसके एक्शंस भी पास्ट को ही बिलोंग करते हैं। आगे देखेंगे, द सेंट्रल करेक्टर इज आइदर एन एक्चुअल फिगर फ्रॉम द हिस्टोरिकल पास्ट और एन इमेजिनरी फिगर हु इज रिलेटेड टू द एक्चुअल हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। जो सेंट्रल करेक्टर होता है, सेंट्रल करेक्टर कौन होता है? हीरो, नायक, सेंट्रल करेक्टर या कह लीजिए प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट। सेंट्रल करेक्टर इज आइदर या तो एक्चुअल फिगर होता है या तो वास्तविक होता है, वास्तविक व्यक्ति होता है, फ्रॉम इज से द हिस्टोरिकल पास्ट, ऐतिहासिक पास्ट से या तो वो एक्चुअल वास्तविक व्यक्ति होता है और एन इमेजिनरी फिगर या कोई काल्पनिक व्यक्ति होता है, हु जो इज रिलेटेड संबंधित होता है टू द एक्चुअल हिस्टोरिकल इंसिडेंट, वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स का जो सेंट्रल करेक्टर होता है, चाहे वो एक्चुअल फिगर हो, ठीक है, जो किससे हो, हिस्टोरिकल पास्ट से हो, ऐतिहासिक भूतकाल से हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो काल्पनिक लेखक ने रखा हो, काल्पनिक कोई भी करेक्टर हो, लेकिन वो हु इज रिलेटेड व संबंधित होता है किससे, वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है, चाहे वो एक्चुअल फिगर हो और चाहे इमेजिनरी फिगर हो, ठीक है। प्लेज सच एज जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा डेपिक्ट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम द क्लासिकल एंटिक्विटी। तो प्लेज नाटक सच एज जैसे कि जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा डेपिक्ट भी चित्रांकन करते हैं, वर्णन करते हैं किसका, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं का, फ्रॉम द क्लासिकल एंटिक्विटी। क्लासिकल एंटिक्विटी मतलब, एंटिक्विटी का मतलब होता है अति प्राचीन काल, परंपरागत या क्लासिकल अति प्राचीन काल की घटनाओं का वर्णन करते हैं, या डेपिक्ट्स का मतलब चित्रांकन करते हैं, कौन, जूलियस सीजर प्ले और एंटोनी एंड द क्लियोपेट्रा, ठीक है। मैकबेथ डेपिक्ट्स द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द मिडिएवल इंग्लैंड। और जो मैकबेथ ड्रामा है शेक्सपियर का, ये भी शेक्सपियर का ही है, और मैकबेथ डेपिक्ट्स द हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रांकन करता है, ऑफ द मिडिएवल इंग्लैंड, मिडिएवल इंग्लैंड की हिस्टोरिकल इवेंट्स का चित्रांकन करता है, कौन सा, मैकबेथ, ठीक है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि हिस्टोरिकल प्लेस वो प्ले होते हैं जिनको क्या, जिनकी सेटिंग जो की जाती है वो ऐतिहासिक टाइम पीरियड में की जाती है और जो वास्तविक यथार्थ डिटेल के साथ, ठीक है, और जिसके हीरो जो होता है, प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, सेंट्रल करेक्टर जो होता है, वो भी चाहे वो एक्चुअल हो और चाहे इमेजिनरी हो, मतलब वास्तविक हो या कल्पनात्मक हो, लेकिन उसका संबंध किससे होता है, एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट से होता है, इंसिडेंट से होता है, वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से होता है। स्टोरी भी पास्ट टेंस में होती है
और नरेशन भी पास्ट टेंस में ही होता है और एक्शंस भी बिलोंग्स टू द पास्ट, पास्ट को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नोवल। हिस्टोरिकल नोवल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नोवल आर, जो हिस्टोरिकल नोवल के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड प्लॉट, थर्ड करेक्टर्स, फोर्थ डायलॉग, फिफ्थ कन्फ्लिक्ट। देखेंगे इनको डिटेल में, सबसे पहले देखेंगे हम सेटिंग को। ठीक है, सेटिंग द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नोवल इज सेटिंग। मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट, सबसे क्रिटिकल एलिमेंट तत्व हिस्टोरिकल नोवल का वो क्या होता है? सेटिंग होती है। हिस्टोरिकल नोवल का मोस्ट क्रिटिकल तत्व क्या होता है? सेटिंग होती है। प्लॉट मस्ट बी सेट ऑन द रियल हिस्टोरिकल प्लेस एंड द ऑथेंटिक हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्लॉट मस्ट बी सेट ऑन, जो कथानक है प्लॉट जो है मस्ट बी सेट ऑन, सेट किया जाना चाहिए रियल हिस्टोरिकल प्लेस में, वास्तविक ऐतिहासिक स्थान पर सेट किया जाना चाहिए, एंड द ऑथेंटिक हिस्टोरिकल पीरियड, और असली या प्रमाणिक, ऑथेंटिक का मतलब असली या प्रमाणिक ऐतिहासिक समय पीरियड में इस प्लॉट को सेट किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड है प्लॉट। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नोवल इज प्लॉट। हिस्टोरिकल नोवल का दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? प्लॉट होता है। अनदर दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नोवल, ऐतिहासिक नोवल का इज प्लॉट, प्लॉट होता है। इन हिस्टोरिकल नोवल, हिस्टोरिकल नोवल में द प्लॉट इज जर्नली ए मिक्सचर ऑफ रियल एंड फिक्शनल इवेंट्स। और जो हिस्टोरिकल नोवल का जो प्लॉट होता है उसको जर्नली मिक्सचर किया जाता है रियल और फिक्शनल इवेंट्स में, वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक, फिक्शनल मीन्स काल्पनिक, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की घटनाओं का मिक्सचर प्राय होता है। क्या? इसका प्लॉट, इसका जो प्लॉट क्रिएट किया जाता है, प्लॉट जो बनाया जाता है हिस्टोरिकल नोवेल में, वो क्या होता है? ध्यान रखेंगे रियल और फिक्शनल इवेंट्स, दोनों प्रकार की इवेंट्स का एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है करेक्टर्स इन हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल में द करेक्टर्स कैन बी बोथ रियल एंड फिक्शनल। हिस्टोरिकल नोवेल में जो करेक्टर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? बोथ, दोनों प्रकार के, बोथ मीन्स दोनों, रियल एंड फिक्शनल, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बट लेकिन दियर लुक्स, इनका लुक, इनकी लैंग्वेज, इनके एक्शन मस्ट बी अलाइनिंग विद दोज इन द हिस्ट्री। अलाइनिंग का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए समर्थन करते हैं, उन्हें समर्थन करना चाहिए विद दोज उन इन द हिस्ट्री, इतिहास की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उन का समर्थन करें। क्या? इनका लुक। कहने का तात्पर्य यह है जो करेक्टर्स हैं उनका लुक, लैंग्वेज, एक्शन सब अलाइनिंग करें। किसका? विद दो जिंदा हिस्ट्री, इतिहास में जो चीज़ें अपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जो भी ऐतिहासिक नाटक आते हैं, सीरियल्स आते हैं, उनमें उनकी भाषा, उनकी एक्शंस, उनकी बोलचाल, उनकी लुक बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक उनके कपड़े होंगे, उनकी जो शब्द होंगे, भाषा होगी ऐतिहासिक होगी। बहुत सारे आते हैं, रामायण आती है, जोधा अकबर आता है, इनसे आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक और आता था, वो ये
झांसी की रानी, ठीक है, उनकी लुक अपीयरेंस, इन सब चीज़ों को देख करके आप देख सकते हैं कि वो सब चीज़ें उस चीज़ का समर्थन करें, हिस्ट्री का समर्थन करें। आगे देखेंगे डायलॉग, नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग, द डायलॉग ऑट टू बी एक्यूरेट टू द इरा एंड रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पर्सन्स स्पीकिंग। डायलॉग ऑट टू बी, ऑट टू बी मीन्स होना चाहिए, एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, टू द इरा उसी युग उसी समय से संबंधित बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब जो भी डायलॉग हैं, डायलॉग जो बोले जाते हैं ड्रामा में, वो बिल्कुल ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नोवेल के एक्यूरेट होना चाहिए, उसी समय पीरियड्स के बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एंड रिप्रेजेंट्स, और वो रिप्रेजेंट करें द स्टेटस ऑफ द पर्सन्स स्पीकिंग, जो पर्सन्स स्पीकिंग है, लोगों की जो स्पीकिंग है उसके स्टेटस को जो रिप्रेजेंट्स करें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ए नोबल सेट इज सेट, इज सेट होना चाहिए, इन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशनरी बार, रेवोल्यूशनरी बार, यदि एक नोबल को रेवोल्यूशनरी बार के पीरियड में सेट किया जाता है, इज सेट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इज सेट इन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशनरी बार, यदि रेवोल्यूशनरी बार क्रांतिकारी युग, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी युग, तो क्रांतिकारी युद्ध के दौरान नोबल को सेट किया जाता है, तो ब्रिटिश सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, शुड नॉट यूज नहीं करेंगे वेस्टर्न स्लैंग टूडे, आज के जो वेस्टर्न स्लैंग हैं, स्लैंग का मतलब होता है एक तरह से वर्ग भाषा, या थोड़े समय के लिए, थोड़े समय ही प्रचलन में रहने वाली उपभाषाएं, या अपभाषा कह लो, ठीक है, तो या कह लो वर्ग भाषा, तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट, द कन्फ्लिक्ट्स आर फेस्ड, कन्फ्लिक्ट्स को फेस किया जाता है बाय द करेक्टर्स इन द हिस्टोरिकल नोवेल, मस्ट बी सिमिलर टू द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड by the people of that time period, ठीक है, तो conflicts are faced by the characters in the historical novel, historical novel में, ऐतिहासिक उपन्यास में characters के द्वारा conflicts को face किया जाता है, संघर्ष को face किया जाता है, must be similar, बिल्कुल उसी की तरह मतलब face किया जाना चाहिए, मतलब करेक्टर्स के द्वारा जो भी कन्फ्लिक्ट्स फेस किए जाते हैं वो बिल्कुल उसी की तरह फेस किए जाने चाहिए, सिमिलर टू द प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स की तरह जो एनकाउंटर्ड की जाती हैं, जिनका सामना किया जाता है बाय द पीपल ऑफ दैट टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड, ऐतिहासिक टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के द्वारा, लोगों के द्वारा जिन कन्फ्लिक्ट्स को एनकाउंटर्ड किया जाता है, सामना किया जाता है, उन्हीं प्रॉब्लम, जिन प्रॉब्लम्स का, उन्हीं के सिमिलर हिस्टोरिकल नोवेल में भी करेक्टर्स के द्वारा उन कन्फ्लिक्ट्स को फेस किया जाना चाहिए, ऐसा कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, किसका, हिस्टोरिकल नोवेल का, कैसा कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, जिस तरह से मतलब टू द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय द पीपल ऑफ दैट टाइम पीरियड, मतलब ऐतिहासिक टाइम पीरियड में लोगों के द्वारा जिन प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर्ड किया जाता था, उसी के सिमिलर क्या होना चाहिए, ऐतिहासिक नोबल्स में करेक्टर्स के द्वारा क्या करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स को फेस किया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। इस तरह से हमारा ये सेकंड टॉपिक हिस्टोरिकल नोवेल क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा इस यूनिट में टॉपिक चलेगा गॉथिक नोवेल। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।